हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही डिफरेंट सा वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने नेल्स को शेप कैसे कर सकते हैं, यानी कि मैं स्क्वायर शेप आपको बताने जा रही हूं आज। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो मेरे नेल्स हैं, ये पहला वाला ओवल शेप में है, ये अलग है, ये अलग है, सभी कुछ कुछ डिफरेंट शेप में हैं। दूसरे हाथ के थोड़े छोटे हैं और अलग शेप, और थम्स के नेल अलग शेप के हैं। तो चलिए आज इनको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से स्क्वायर शेप देना है। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने एक नेल कटर और एक नेल फाइलर ले लिया है, सिर्फ यही दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं नेल कटर से। तो सबसे पहले हमें अपने नेल्स को कट करना है, बट हम जो स्किन दिख रही है उस शेप के हिसाब से नेल्स को कट नहीं करेंगे, सिर्फ सीधा कट करेंगे। जैसा आप जैसे ही नेल कटर अंदर डालोगे नेल्स में, जो सीधा शेप आता है वो कट करेंगे। जो आप ओवल शेप देख रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, वरना मेरा नेल्स का शेप चेंज हो जाएगा और मैं स्क्वायर शेप चाहती हूँ, वो नहीं आएगा। तो अभी हमने सीधा कट कर लिया, उसके बाद जो किनारे शार्प एजेस हैं उनको बहुत ही हल्का सा स्लाइड सा कट कर देना है, जिससे कि जो स्क्वायर शेप है वो भी ख़राब ना हो और किनारे तीखे भी ना रहें, जिससे कि उससे आपको चोट लग सके। तो ऐसा कर लेंगे और उसके बाद अब सेकेंड नेल पर आते हैं। तो ये मैं चूँकि चौड़ा सा है इसका नेल, तो एक बार नेल कटर से नहीं कटेगा, तो मैं सबसे पहले इसको मिडल तक काट रही हूँ, एकदम स्ट्रेट लाइन में, और उसके बाद मिडल से साइड तक ले जाऊँगी। और सेम वैसे ही जो इसके एजेस हैं, शार्प एजेस हैं, इनको बहुत ही स्लाइट सा मैं कट करूँगी कॉर्नर्स पे एकदम, जिससे कि हल्का सा गोलाई लेते हुए इनका शेप आ जाए, बट वो जो स्क्वायर शेप है वो ख़राब ना हो। तो इसी तरीके से आगे के नेल्स पर भी हम कट कर लेंगे। अब बारी आती है थम्स के नेल की। तो आप देख सकते हो कि ये नेल मेरा काफ़ी छोटा है, फिर भी मैं इसको स्ट्रेट लाइन देके उस सेम मेथड से इसको ट्रिम करने की कोशिश कर रही हूँ, और तो इसका शेप अब स्क्वायर सा आ गया है। तो अब इसके बाद आती है फाइलर की बारी। तो फाइलर लेके हम हल्का हल्का सा इसको जो है घिसेंगे नेल्स को, जिससे कि जो भी अनइवन सा नेल होगा वो आपका शेप में आ जाएगा, और जो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा कट जाता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रेट ही फाइलर चलाएंगे, उसके बाद जो इसके कॉर्नर्स हैं उन पर इस तरीके से हल्का सा टर्न देते हुए कॉर्नर्स पर इसको फाइल करेंगे, जिससे कि जो स्क्वायर शेप है वो ख़राब ना हो बट एक स्मूथ सा एज मिल जाए हमें। तो इसी तरीके से हम सारे नेल्स के ऊपर कर लेंगे। तो सारे नेल्स को फाइल करने के बाद हल्का फुल्का थोड़ा सा ये रफ सा आ जाता है अंदर के साइड में नेल्स का पार्ट, तो इसको हल्का सा हाथों से जो है रब करके निकाल देंगे, या फिर थोड़ा सा फाइलर अंदर की तरफ भी चला देंगे, जिससे कि जो भी उभरा हुआ सा जो नेल्स के पार्ट आ जाते हैं वो निकल जाएंगे। तो एक हाथ का तो आप देख सकते हो कि शेप अच्छा सा आ गया है, इसी तरीके से हम दूसरे हाथ के नेल्स के लिए भी करेंगे। मेरे दोनों हाथ में इसलिए मैं दिखा रही हूँ, अगर आपको एक ही हाथ में करना है तो आप एक हाथ में करके भी छोड़ सकते हो। तो उल्टे हाथों का भी इसी तरीके से करेंगे कि एकदम स्ट्रेट लाइन में कट करना है, फिर किनारे बहुत ही स्लाइट सा काटना है, जिससे कि शार्प एज ना रह जाए। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि अगर आप उल्टे हाथ से फाइल करने में मुश्किल हो रही है आपको, तो आप फाइलर रख के नेल्स को उसके ऊपर चला सकते हो, जिससे कि आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद एक ऐसा छोटी सी टावल सी ले लेंगे और उसके ऊपर अपने नेल्स को घिस लेंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा थोड़े निकल जाते हैं रब करने की वजह से पीसेस, वो इसमें निकल जाएंगे। तो अब बारी आती है नेल पेंट लगाने की। ये मेरी नेल पेंट है, ग्रीन कलर की है। इसको मैंने परचेज़ किया था बिग बाज़ार से, ये W7 ब्रांड है, कुछ वहीं का है। तो इसको मैं दोनों हैंड्स के नेल्स पर लगाकर दिखाती हूँ, और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है और कितना अच्छा शेप आ गया है, स्क्वायर सा शेप आ गया है आपके नेल्स का। तो मुझे ये शेप बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर यही शेप रखती हूँ अपने नेल्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।